वंशज तो वो भी हैं और ये पार्टी के लोग भी हैं, उसमें तो कोई जो है ना वो तो साइंटिफिक है, मगर उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जननायक जनता पार्टी है और उनकी चौधरी देवीलाल जी की विरासत के मालिक इस देश के लोग हैं, तो उसमें तो कोई किसी तरह का डिस्प्यूट ही नहीं है। ऐसा है जी, ये हमने भी पहले देखते थे, हम बहुत सारी रैलियों में हम भी गए, जब कभी भी इस तरह का अवसर आता था तो यही बात कहते थे और यही चेहरे सभी आते थे, मगर आज तक तो हुआ नहीं। और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लीडरशिप देश को मिली है, मेरे हिसाब से ऊपर की वोट में कोई बदलाव जनता अभी नहीं करना चाहती, ऊपर का वोट वहीं जाएगा, ये आम जनता की एक भावना है। राजस्थान में भी अभी आपने चुनाव लड़ा था, 70% का चुनाव था, क्या जेजेपी जजपा में जेजेपी जो है वो राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा? निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे भी और एक ही एजेंडा के साथ लड़ेंगे कि जो भी वहाँ पर आज तक मुख्यमंत्री बना है वो या तो कोई राजा रजवाड़ा खानदान से है या नॉन किसान है, जबकि किसान का प्रदेश है, ऐसे में किसान मुख्यमंत्री बने, इसी एजेंडा के साथ वहाँ जाएंगे। ऐसा है, प्रयास करते रहना चाहिए, दुष्यंत जी को लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जननायक जनता पार्टी परिवार विशाल होता जा रहा है। ये हरियाणा की जनता को तय करना है कि सीएम की कुर्सी पर दुष्यंत जी को कब बिठाएंगे, ये लोग तय करेंगे, लोग बिठाने वाले लोग मालिक हैं।